ओम सूर्य देवता नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब के इस चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आयुर्वेदिक पौधे और उनके उपचार के बारे में आपको जानकारी देता हूं, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कोई आयुर्वेदिक पौधा लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आपके शरीर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट, जी हां दोस्तों, आज मैं आपको शरीर का एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिसको दबाने से आप अपने शरीर की कम से कम 100 से ज्यादा बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। वह शरीर की कोई भी रोग हो यानी 100 से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकता है। वायु से संक्रमित से वायु से होने वाले रोगों को यह बहुत जल्दी ठीक कर देता है, यानी संक्रमण को यह हमारे शरीर से दूर कर देता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं GV16 की। GV16 एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे शरीर में है जिसको साइंस की भाषा में यानी वैज्ञानिक की भाषा में उसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आज हम उसी एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे कि वह हमारे शरीर के कौन से भाग में है वह एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको हम दबा करके हम अपने शरीर से कम 100 से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप उन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि वह हमारे शरीर का कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको हमें प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप ये वीडियो में देख रहे होंगे, यह जो पिक आपको दिख रही है, यह इस पिक पर आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट दिख रहा है इसका नाम है GV16। GV16 दोस्तों इसको जो है स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, यानी यह एक ऐसा हमारे शरीर का एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको हम प्रेस करके अपने शरीर की कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यानी यह जो शरीर का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है यह जस्ट हमारे सिर के जस्ट पीछे पाया जाता है और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आसानी से हम पहचान सकते हैं कि हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ होता है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका सिर। सिर पर जो है आप देख रहे होंगे, यह सिर में आपके जो है कान, दोनों कान से आपको एक बीता आपको ले लेना है और जो हमारे सिर पे जो बिल्कुल बीच का मस्तिष्क भाग होता है वहाँ से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। आप जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, बिल्कुल सेंटर से आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपको जो है एक जगह हड्डी बड़ी सी दिखेगी। दोस्तों अगर वो हड्डी अगर आपकी बड़ी सी दिख रही है तो उसको कुछ नहीं करना है, उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपको एक खड्डा जैसे दिखेगा। खड्डा जैसे मतलब आपको जो है वहाँ पर कुछ हड्डी वड्डी वगैरह नहीं दिखेगी, आपको नॉर्मल जो है वहाँ पर एक गैप जैसा दिखेगा। वह गैप जो होता है दोस्तों वही GV16 का एक्यूप्रेशर पॉइंट, यानी आप अपने शरीर को आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में यह GV16 का एक्यूप्रेशर पॉइंट किस जगह पे है। तो आप आसानी से देख करके जो एक जीवी दिख गया, ये इस दिखने के बाद जो है इसमें आपको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। आप हल्के हल्के हाथों से 25 से 30 बार प्रेस करेंगे डेली, आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। यानी दिन में 2 से 3 बार अगर आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि वायु जनित रोग यानी संक्रमित रोग जो भी होते हैं वह आपके शरीर में आएंगे नहीं और आपका शरीर जो होगा एकदम स्वस्थ होगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस एक्यूप्रेशर पॉइंट से हमारे शरीर में क्या क्या हमको फ़ायदा मिलेगा। तो हमको दोस्तों हेडेक, पहला पॉइंट उसका होता है हेडेक, यानी अगर किसी में हेडेक है या फिर थोड़ी थोड़ी देर में आदमी को गुस्सा आता है या फिर सिर दर्द होता है, उसका दिमाग सही नहीं रहता यानी मनोविकृति उसकी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों साइकोलॉजी दृष्टि से इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करने से काफ़ी जल्दी आपके मस्तिष्क का विकास होता है और हेडेक जैसी समस्या से आपको निजात दिला देता है। दूसरी है दोस्तों आई प्रॉब्लम। जिन लोगों में आई प्रॉब्लम होती है यानी किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, या फिर उनकी आँखों में आप देखते हैं कि कुछ समय ऐसा आता है जब हमारी आँखें आने लगती हैं, यानी आँखों से कीचड़ का आना या फिर आँखों का लाल होना, काफी सारी मतलब आंखों से रिलेटेड जितनी बीमारियों को यह ठीक कर देता है दोस्तों, यह इसका दूसरा आपको बेनिफिट मिला। तीसरा है नॉइज ब्लीडिंग, यानी अगर किसी में अगर नाक से अगर खून जा रहा है, अगर नाक से खून जा रहा था दोस्तों यह एक्यूप्रेशर पॉइंट उसके लिए काफी मदद होता है। यानी अगर नाक से अगर आपके खून जा रहा तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मतलब GV16 को आप 25 से 30 बार अगर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो नाक से खून जाने की समस्या को भी यह ठीक कर देता है। श्योर थ्रोट, यानी श्योर थ्रोट को भी काफ़ी जल्दी ठीक कर देता है। अगर थ्रोट जिसमें अगर थ्रोट बढ़ रहा हो यानी थ्रोट में अगर उसकी कोई दिक्कत हो, गले में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो यह उसको भी ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। थ्रोट सेवलिंग यानी मतलब आपके अगर जो थ्रोट में टॉन्सिल्स होते हैं, अगर टॉन्सिल्स में अगर किसी प्रकार की सूजन होती है या फिर उनमें आपको दर्द सा महसूस होता है, गले से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए भी यह काफ़ी अच्छी पॉइंट माना जाता है। तो इसको आप प्रेस करके उन बीमारियों को भी ठीक
कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी का अगर रक्तचाप बढ़ा हुआ हो तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 5-7 बार दबाने से ही आपका जो ब्लड होता है वो काफ़ी जल्दी नॉर्मल हो जाता है लगता है। यानी पैरालिसिस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा पॉइंट माना जाता है। कहा जाता है कि इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आपने दिन में 2 बार भी दबा लिया तो आप ये मान के चलिए कि जिस व्यक्तियों का अगर पैरालिसिस का अटैक आने की संभावना रहती है उसको पैरालिसिस बिल्कुल भी अटैक नहीं आएगा। इतना अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट माना जाता है। या फिर किसी को अगर पैरालिसिस आ चुका है तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से उसकी सेहत में काफ़ी जल्दी सुधार होता है। सिर से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं उनके लिए यह काफ़ी अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट माना जाता है। यानी आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 1-2 बार तो अवश्य दबाइएगा। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपके शरीर से काफ़ी जल्दी जो बीमारियां जिनका उपचार आप करवाना चाह रहे हैं सिर से रिलेटेड मतलब हमारे शरीर के आधे हिस्से की बीमारियों को यह 100% ठीक कर देता है। तो दोस्तों इस GV16 के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखिए और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में कम से कम 1-2 बार तो आप अवश्य प्रेस कीजिएगा जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और निरोग काया पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे या शरीर की किसी और नए एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ में। तब तक लीजिए हर हर महादेव।